हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं एमजी एडिट जॉन। सो गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोगों को कुछ इस टाइप से सॉफ्ट ब्राउन टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, और भी बहुत आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कम्प्लीट देखना, एंड हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपना लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, एंड अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ, एंड यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो को लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ से इस वाले फ़ोटो को लेता हूँ, एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी है। ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर है हमारी फ़ोटो, इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है, एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाएंगे हम कलर पे, इस वाला आइकन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को करते हैं +50, एंड यहाँ से टेंट की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, टेंट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +10, एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं -10, एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला आइकन पे यहाँ क्लिक करेंगे, एंड सबसे पहले स्किन टोन को सही करेंगे। तो उसके लिए हम सेकेंड वाला ऑरेंज कलर पे जाएंगे, एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं -40, एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे, एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को करेंगे -100, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी माइनस की ओर लेके जाएंगे। तो गाइस, इसे रखते हैं -60, एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे, एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी ह्यू की वैल्यू को करेंगे -100, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी माइनस की ओर लेके जाएंगे। तो गाइस, इसे रखते हैं -80, एंड ऊपर से कर देंगे डन। अब हम इस फोटो की परफेक्ट रूप से लाइट एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे लाइट के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से एक्सपोजर की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू को करते हैं -0.37, एंड यहाँ से कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को भी माइनस करेंगे। तो गाइस, इसे रखते हैं -21, एंड यहाँ से हाइलाइट्स की वैल्यू को भी माइनस करेंगे। तो गाइस, इसे रखेंगे हम -30। तो गाइस, हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है, लेकिन इसे हम और बेटर बनाएंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे इफेक्ट के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को करते हैं +35, एंड यहाँ से डीएच की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी फोटो है उसमें थोड़ा और डार्कनेस आए। तो इसे रखते हैं +14, एंड यहाँ से वीनेट की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। तो गाइस, वीनेट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -50, एंड यहाँ से मीट पॉइंट की वैल्यू को भी डिक्रीज करेंगे। तो मीट पॉइंट की वैल्यू को करेंगे हम 10, एंड नेक्स्ट जाते हैं डिटेल के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी फोटो है वो थोड़ा शाइन करे। ठीक है, तो इसे रखते हैं 21, एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं, स्मूथ लगे। तो इसे रखते हैं 15, एंड नीचे आते हैं कलर नॉइस रिडक्शन, एंड यहाँ से इसकी भी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी फोटो है वो परफेक्ट रूप से स्मूथ लगे। तो गाइस, हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो कुछ इस टाइप से थी, एंड आफ्टर कुछ इस टाइप से। तो गाइस, आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस, आप लोगों को एडिटिंग पसंद आई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस, इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड सेव टू डिवाइस से क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। You got that things on your mind.